नमस्कार, मैं दक्षा सावलिया एसएसके इंडिया सेंटर नासिक से। आज हम सीखेंगे नई रेसिपी जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी, और गर्मियों के सीजन में इसको आसानी से बना करके हम पी सकते हैं। एक राज की बात बताओ, जो शुगर पेशेंट है और आपके घर के लोग जो मीठा खाने को पसंद करते हैं, जिन क्योंकि उनको आपकी चिंता रहती है, तो आपकी जो मिठास खाने की जो तड़प है ना, उसको आप संतुष्ट कर सकते हैं रेसिपी से। क्योंकि ये रेसिपीज आप पियेंगे तो इससे आपका शुगर कंट्रोल होगा, आपका शुगर बढ़ेगा नहीं, आपका शुगर लेवल नीचे जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी साबित होगी। ये राज की बात है, सबको वैसे तो बताई नहीं जाती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले, क्योंकि इसको सबको पता चलेगा तो शुगर पेशेंट है उसको मीठा खाने की जो तलब रहती है उसको उसको संतुष्टि मिलेगी। तो ये बात, इस रेसिपी है वो आप लाउड स्पीकर लगा करके सीखिए, ताकि आपके जैसे और कोई है तो उनको भी उसका टेस्ट पसंद आता है, वो पी सके। तो आइए हम बनाते हैं नई रेसिपी, मैंगो कोकोनट मिल्क शेक। ये तैयार करने के लिए पहले हम बनाएंगे नारियल का दूध। नारियल का दूध बनाने के लिए मैंने डेढ़ नारियल लिया है, एक आखा पूरा और एक आधा, और इसको मैंने जो ब्राउन वाले पीछे छिलका रहता है वो निकाल दिया है, और पतली स्लाइस कर ले ताकि वो अच्छे से मिक्स हो पाए, घूम पाए। इसमें एक छोटा ग्लास पानी डालेंगे ताकि इसका दूध अच्छे से तैयार हो जाए। इसको अच्छे से पैक कर लेंगे और इसको घुमा लेंगे। इसको 2 मिनट तक 3 मिनट तक अच्छे से घुमाना पड़ता है ताकि अच्छे से क्रश हो पाए। अभी इनको छान लेंगे। एकदम अच्छे से क्रश हो गया है। दूध रेडी हो गया है। नारियल का दूध जैसा टेस्टी रहता है वैसा ही पौष्टिक भी रहता है। देखिए एकदम ऐसा चूरा हो गया। अभी हम शेक बनाने के लिए पहले जो हमने नारियल का दूध बनाया है वो वापस हम मिक्सी जार में डालेंगे। थोड़ा आम लेंगे, मैंने 3 आम कट किए हैं, जरूरत अनुसार हम डालेंगे। एक आम जितना बचा है मैंने 2 आम यूज किए हैं, और ये एक छोटी वाटी काजू है, और गिन के लेंगे पीसेस तो 20 होंगे, 20-25 आपको जितना डालना है आप डाल सकते हैं। इसमें दूध में स्वीटनेस नहीं होता है, आम में स्वीटनेस होता है, तो दूध को में थोड़ा सा स्वीटनेस चाहिए, इसलिए मैं खजूर पाउडर यूज कर रही हूँ। अगर आपको ये चाहिए तो हमारे यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, आपको खजूर पाउडर रेडी मिल जाएगा। मैं इनको टेस्ट के लिए अभी 3 चम्मच डाल रही हूँ। अभी इसको बंद करके हम अच्छे से घुमाएंगे। इनको 3-4 मिनट तक घुमाना पड़ेगा, तब जाके अच्छे से मिक्स होगा।
सभी पीस करके रेडी हो चुका है। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। इनके ऊपर आपको पसंद है तो आम के थोड़े टुकड़े भी डाल सकते हैं और सजा सकते हैं। आपको जो अलग अलग ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो अभी आप एक इसमें ऐड कर सकते हैं, उनसे भी आप सजा सकते हैं। अभी टेस्ट करते हैं हम कैसा बना है। बहुत मस्त बना है। मीठा अगर आपको और चाहिए तो थोड़ा सा और मीठा भी ज्यादा आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि खजूर पाउडर और ज्यादा डाल सकते हैं। ये हमने बनाया है नारियल के दूध से। नारियल के दूध के बहुत सारे फायदे हैं, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। आपके हृदय को यानी कि हृदय की गति को भी अच्छे से कार्यरत रखता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है। बाल और त्वचा के लिए ये रामबाण इलाज है। और आपका अगर शुगर है तो जैसे मैंने पहले बताया कि शुगर वाले के लिए बहुत अच्छा है, शुगर वाले लोग भी इस मीठे का आनंद ले सकते हैं और उसका शुगर कंट्रोल होगा, शुगर लेवल कंट्रोल होगा उसका, तो ये इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आपके जो कुछ भी हेल्थ के छोटे बड़े इश्यू है उसमें भी नारियल का दूध है वो बहुत फायदेमंद रहता है, तो इनका उपयोग भी आप कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को आप अच्छा बना सकते हैं। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।